Hey guys, welcome back to my channel. Today I'm going to be reacting to Punjabi rap battle Gun Bak Chot by Kerry Minotti. And as most of you know, he is currently my favorite YouTuber. Like, I try to do that when any YouTuber makes a video, I don't see it until I'm not reacting. But it's so hard. I can't stop myself. First of all, I like YouTube and I'm very impatient. I can't control it and I watch that video. So I've seen that video before. I'm really sorry. Because it's like that if we listen to one joke twice, it doesn't happen. So I don't give a first impression. बट क्योंकि मैंने वीडियो बहुत पहले देखी थी लाइक एक महीने पहले तो आई होप कि मैं अभी भी उस पर उतना हंस सकूं कि जैसे कि ये नया ही है एंड क्योंकि ये कैरी की वीडियो है शुरू करते हैं बिना कोई वक्त जल्दी के वीडियो स्टार्ट्स राइट अबाउट नाउ तो कैसे हैं आप लोग कल मेरे पड़ोस मेरा मतलब है कि खबरी ने बताया मुझे कि उसे बोहेमिया का रैप बैटल मिला तो बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं वो, 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 बेचारा कुछ बोलना चाह रहा था उसे बोलने भी नहीं दिया मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ वेलकम टू द इंडियन रैप बैटल राउंड टू वाह राउंड टू क्या बात है पूरे चैनल पे सिर्फ एक वीडियो है कहाँ से राउंड टू अबे क्या हवा में बना रहे हो दूसरी वीडियो यार ये कौन से टाइप की कूलनेस है कि राउंड टू बोलने से कूल लगते हैं हम लोग आई राजेश कुमार ऐसे होस। साले मुंह में क्या क्रेजी बॉल लेके पैदा हुआ था ये कौन से टाइप की एक्सेंट है ये कहाँ से आती है कौन से देश के हिस्से में मिलती है ऐसी एक्सेंट होस्टिंग अ प्रोग्राम टुडे द रैप इज बिटवीन टू रैपर्स यार जिसको भी इसकी बातें समझ में आ रही है ना यार प्लीज मेरे को एक बार कमेंट्स में बता देना बदले में मैं आपको हाँ वो वॉल्यूम 1 का डाउनलोड लिंक दे दूंगा ऑन माय राइट मिस्टर Jerry, and on my left, Jordan. So let's begin. Jordan. अबे थूत ठीक नहीं है तो कम से कम यार नाम तो अपने ढंग के रख लो जॉर्डन या तो ये बंदा गलत बोल रहा है उसको या फिर बहनचोद मैं ही बकचोद हो रहा हूँ क्या यार जॉर्डन साले बोला भी नहीं जा रहा है मेरे से So let's begin the game. Let's begin the rap. So let's have the कितने स्वैग के साथ खड़े हैं ये अपनी बाइक के ऊपर भाई कमाल बिल्कुल हूँ इसी बाइक में रोज सुबह दूध बेचने निकलते फिर ये और जॉर्डन देखो इधर उधर देख रहा है क्योंकि उसे पता है उसकी मम्मी उसे ढूंढ रही है मम्मी ने कहा था दलिया पी के बाहर निकली हो लेकिन नहीं यार क्यों पिए हम दलिया ना होस्ट कितना प्रोफेशनल लगने की कोशिश कर रहा है लेकिन तब भी जो क्राउड है क्राउड के सामने कोई नहीं टिकता ऐसा लग रहा है कि ये बोल रहा है कि जॉर्डन अब गन्ने की मशीन चालू करने वाला हो दिल्ली का ये बंदा करता है गलत धंधा देख देख के हो गया है अंदर भाई पता नहीं क्राउड तो ऐसे चिल्ला रहा पता नहीं जैसे क्या बोल दिया ऐसी चीज आज तक सुनी नहीं भाई ओ नहीं हो ही नहीं सकता इसने बोल कैसे दी ऐसी बात कौन है ये भगवान है राम रहीम मुंह तेरा काला लगता है भोला बाबा मुंह तेरा काला लगता है भोला बाबा इसने सही में एक ही लाइन को दो बार रिपीट किया ये रैप है साले पहले बता दिया करो कि भाई तुम शायरी करना चाह रहे हो या रैप करना चाह रहे हो मिसलीडिंग टाइटल है बिल्कुल भाई इसे बैन करो इस वीडियो को मुझे नहीं बैन चाहिए मुझे ये वीडियो ये वाली बात ना बिल्कुल दिल के अंदर जाके छुपी है ये वही लोग हैं जो भाई निगा को कूल समझते हैं भाई निगा बोलना एक कूल चीज होती है जैसे अमीर लोग बोलते हैं निगा तो इसलिए हमें भी बोलना चाहिए निगा ताकि हम कूल लगे अमीर लगे स्वैग हो बंदियां पटे हम मौज मारे जिंदगी की क्यों यार क्यों नहीं होती यार नहीं चलती ऐसी जिंदगी निगा बोलने से जिंदगी अगर चलती होती तो भाई आज मैं ये काम नहीं कर रहा होता Here I am standing in front of you. Yes! पता है रैप करने की एक तमीज होती है एक तहजीब होती है एक तरीका होता है और इस बंदे ने जो चीज की है ना उसको देख के बोहे मिया या हनी सिंह यो वाला इसके मुंह पे चड्डी चढ़ा के जाएंगे जॉर्डन जवान कितने आ रहे सारे बेकार है कहते मैं तेरा बापू नाम तेरा जेरी है और तू काला नाम
भाई जॉर्डन तू प्रूफ क्या करना चाहता, नहीं करना क्या चाहता है भाई, तू काला है तुझे पता है वो तेरे से ज्यादा गोरा है, लेकिन तब भी दूसरी बार तू ये काम कर चुका है। मुंह तेरा काला लगता है भोला बाबा। भाई ठीक है समझ में आता है तुझे रैप करना नहीं आता, तुझे भाई लिखना नहीं आता, लेकिन भाई प्लीज ये काम मत कर, इसी वजह से फांसी चढ़ा लेते हैं लोग भाई, प्रेशर नहीं सहा जाता इन लोगों से, रैप से ज्यादा भैंचो रेप कर रहा है कानों का। रंग तेरा काला, जुबान तेरी काली। अरे भाई हद ही होगी, काले रंग के तो पीछे ही पड़ गए यार, मतलब भाई कि किसने स्पॉन्सर दी, अफ्रीका ने स्पॉन्सर किया इन लोगों को, और कोई रंग के बारे में बोलना ही नहीं है भाई, काला। और ये भैंचो गुब्बारे वाला यहाँ क्या कर रहा है? सुन बे सुन, अपनी बेइज्जती सुन, हो गई है शक्ल तेरी रोने वाली, हो गई है शक्ल तेरी गंदी, जाके अब धोले। इस मनुष्य के अगर आप दिमाग को निचोड़ के देखेंगे तो आपको बाल्टी भर के बकचोदी मिलेगी, इतनी बकचोदी आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। बकचोदी ना मारे ना दूसरों को मारने दे। मुझे क्या पता तेरी बंदे मुझ पे पल रही है, लंबी शर्ट मैं पहनता तो तेरी क्यों जल रही है? मम्मी मेरी जितनी भी लंबी शर्ट ना सारी फेंक दो, जला दो, मुझे नहीं पता, मैं आज के बाद कभी नहीं पहनने वाला वो, नहीं है एक एक वजह है उसके पीछे, आप प्लीज फेंक दो, मैं उन्हें छूना भी नहीं चाहता आज के बाद, देखना नहीं चाहता, मेरी आंखें फट के बाहर आ जाएंगी, प्लीज। अगर कोई इस बंदे को जानता है जो ये वीडियो देख रहा हो भाई, उसको बोलो उसे ट्रांसलेटर की जरूरत है, वो इस दुनिया में नहीं जी पाएगा ऐसे, उसे एक ट्रांसलेटर की जरूरत है, कैसे जिएगा वो, लोगों से कैसे बात कर पाएगा, ये दुनिया ऐसे लोगों के लिए नहीं बनी, इसे कहीं और भेजो यार। So guys, wait for the next round and the winner will be decided by your votings and comments that you will give on UMM Confession. I, as your host and with Severity, will wait for your comment. मैं पिछले 40 मिनट से UMM Confession ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ यार, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है, ये सही में कोई चीज है भी या भाई ऐसे ही बोल दिया कि भाई हाँ इस पे कर दो वोट, हाँ चलता है। भाई एक काम करो, ये तो वोट करेगा नहीं, तुम लोग वोट कर दो कमेंट्स में, मेरे कमेंट्स में, मेरी वीडियो पे ना, मेरे वीडियो पे, मेरे कमेंट्स पे डाल दो भाई कौन जीता। So let's wait for the next round. क्राउड को देख के पता ही चल रहा है भाई कैसा रैप होगा, सारे लड़के, एक लड़की नहीं है भाई, सारे लड़के हैं। जहां पर ऐसा काम हो ना भाई, समझ जाओ बकचोदी मचनी है, हो नहीं सकता, रुक नहीं सकती वो किसी हालत में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक मारो, आपको पता है लाइक करने से क्या होगा। स्टॉप द वीडियो हियर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स कैन आई से दिस, बट आई लव केरी मिनाटी, लाइक आई हैव सेड इट ऑन एवरी फ्रीकिंग प्लेटफॉर्म देयर इज, लाइक आई सेड इट ऑन माय इंस्टाग्राम, माय स्नैपचैट, माय फेसबुक, यूट्यूब, एंड या लाइक आई जस्ट वांट टू टेल हिम दैट थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग, बिकॉज़ यू नो व्हाट, आई हैव नेवर लाफ्ड like this in my entire freaking life, except for some shows of Kapil Sharma, like I really think he's so funny, but except for him, like I've never really laughed like this, like agar mujhe pata nahi aap log isse relate kar sakte ho ki nahi, bolte hai na ek hota hai hasna, you know, ha 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 has liya, ek hota hai khul ke hasna, jaise you know duniya khatam hai bas has ke marna hai, waise hansi aati hai jab main Carrie ke videos dekh, Ajay ke videos dekhti hu, to usne kabhi ye video dekha to main usse bas thank you bolna chahti hu itne acche videos banane ke liye, ki kabhi main kisi cheez se sad hoti hu aur agar Carrie ka video dekh leti hu na, kahin na kahin tak I don't know main problem solve to nahi kar sakti, बट कहीं ना कहीं तक वो यू नो जो टेंशन है वो कम हो जाती है, यू नो हंस के, इसके लिए मैं उसे बस बहुत ज्यादा लाइक धन्यवाद देना चाहती हूँ फर्स्टली। सेकंडली वीडियो बहुत अच्छी थी, 5 out of 5, उसमें तो कोई बात ही नहीं आता, आई होप कि उसके नए वीडियोस भी ऐसे हों, एंड आई जस्ट वांट टू लाइक विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। इफ यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन।